ओके गाइस, तो आगे बढ़ाते हैं अपना सीन। जो आपका टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक का नाम था इस टॉपिक का नाम क्या था? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जिसका आपने डेफिनेशन देख लिया कि क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, कि एक्चुअल वॉल्यूम यानी एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ सकता था बाई स्वेप्ट वॉल्यूम, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम वो होता है जो आया, यानी जितनी आपकी कहते हैं फ्यूल आई या गैस आई या एयर आई, और कितना हाईएस्ट पॉइंट था, कितना आ सकता था, अगर इसके बीच में रेशियो निकाला जाए तो वो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बन के निकला था। जो दूसरा पॉइंट है, हाँ, जो प्रूव करना था कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1 प्लस सी माइनस सी पी एच अपॉन में पी एल टू द पावर 1 बाई एन। ये सी क्या है? ये कंप्रेशन क्या है भाई? हाँ, अभी क्लियरेंस वॉल्यूम पढ़ा है, क्लियरेंस रेशियो है, आर होता है कंप्रेशन रेशियो, जो आपने पढ़ा था, यानी क्या वॉल्यूम बिफोर हीट एडिशन और वॉल्यूम आफ्टर हीट एडिशन, ये हम लोग ने आईसी इंजन में पढ़ा है पहले चैप्टर में। और क्लियरेंस रेशियो क्या था? वीसी बाई वीएस। तो अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सी समझ आ गया कि ये दोनों, हाँ, वॉल्यूम के बीच का रेशियो है, उनका रेशियो है। पीएच क्या है? अगर आपका कंप्रेसर जो है, मान लेते हैं ये आपका जो कंप्रेसर है, हाँ, इसमें जो भी लिक्विड आई या गैस आई, वो उसके पास जो इनिशियली, यानी इनिशियली जो प्रेशर था वो पीएल हो जाएगा। और क्योंकि हाँ आपके कंप्रेसर का काम ही होता है कि इसका प्रेशर बढ़ा देना और टेम्परेचर बढ़ा देना, तो सपोज उसने बढ़ा कर इसको पीएल से पीएच कर दिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया या और उसका प्रेशर बढ़ा दिया, तो पीएच वही हो गया कि फाइनल, यानी फाइनल प्रेशर क्या था बाई इनिशियल प्रेशर। और ये एन क्या है? ये एन कुछ नहीं है, जो आप इसको बोलते हैं एडियाबेटिक या पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, हाँ, जो आप लोग आप गैस लॉज में देखते हुए आए हैं, या जो हम लोग नॉर्मल सा पढ़ते हैं, ये वाला इंडेक्स, हाँ, वो है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है? कि आपकी गैस कैसी है। अगर मोनोटोनिक है तो इसकी वैल्यू कुछ होगी, डायटोमिक है तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, ट्राईटोमिक है तो कुछ और होगी। हाँ, ये चीज़ें आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। हाँ, वी आर लिस्ट, हाँ, कंसर्न अबाउट दैट। तो व्हाट आई वाज, हाँ, टीचिंग यू कि वी नीड टू फाइंड आउट दिस फॉर्मूला, और यू कैन से यू वांट टू डिड्यूस और हाँ डिराइव दिस फॉर्मूला ईच एंड एवरी पैरामीटर, लाइक वॉट इज सी हेयर, वॉट इज पी एच हेयर, एंड वॉट इज पी एल हेयर एंड एन हेयर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसकी डेरिवेशन चेक करते हैं कि वो डिराइव कैसे होगा। बहुत हद तक कम चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए। पहला लेक्चर जब था तो हम लोग ने वहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे एक डायग्राम निकल के आया था, जो डायग्राम ये था। और उस डायग्राम के थोड़े से सिग्निफिकेंस पे जाते हैं, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। अगर ये एरो का साइन है तो आप एरो का साइन देखिएगा तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कोई भी साइकिल होती है तो वो पावर कंज्यूमिंग साइकिल होती है, यानी उसको चलाने के लिए
आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है, यानी आपको वर्क डन देना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू थर्मो, कोई भी डिवाइस को चलाने का ने के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्क की वैल्यू नेगेटिव होती है। नॉर्मल सा साइन कन्वेंशन है। तो पहला ये कि आप दे रहे हैं, आपको मिलता क्या था, आपको जो वर्क मिलता था वो टर्बाइन में मिलता था, याद है, आईसी इंजन, हम लोग बस यहाँ पे कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। हाँ, वहाँ पे जो वर्क मिलता था पॉजिटिव मिलता था, पहला ये। तो अगर ये पूरी की पूरी चीज, अगर ये पूरी की पूरी चीज एक कंप्रेसर को शो कर रही है, तो देखते हैं इसको कंपेयर करके अपने कंप्रेसर से। ये है कंप्रेसर, और कंप्रेसर की ये एक लिमिट है जिसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और एक ये लिमिट है जिसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। और आपका पिस्टन ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में ही ट्रेवल करता है, यानी उसका लेवल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब हाँ, और इसी को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी इतना वो ट्रेवल करता है, इतनी जगह वो झाड़ू मारता है, मतलब समझ रहे हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब जितना वो झाड़ू मारता है। और झाड़ू पिस्टन कहाँ से कहाँ तक मारेगा, यहाँ से लेके यहीं तक मारेगा। जहाँ पे वो झाड़ू नहीं मारता, जहाँ पे जो एरिया बच जाता है झाड़ू मारने से, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम। तो आपका अगर पिस्टन, अगर मैं ये पॉइंट दिखा दूँ कि ये वन पॉइंट है और ये पिस्टन वन से टू पे जा रहा है, तो क्लियर है, यानी टू पे जा रहा है, नो, टू पे जाना गलत है। मान लेते हैं इसकी मैंने एक पिस्टन की एक लोकेशन, मतलब यहाँ पे पिस्टन था शुरुआत में, यहाँ पे पिस्टन था, पिस्टन यहाँ पे था, तो इसको वन बोल दिया। फिर पिस्टन जब यहाँ पे आया तो ये पोजीशन को हम लोग टू बोल देते हैं, और जब पिस्टन यहाँ पे आया यानी अपनी लास्ट पॉइंट पे, यानी टॉप डेड सेंटर पे, तो उसको हम लोग थ्री बोल देते हैं। क्लियर है? तो वन से, यानी वन से थ्री तक जाने को अगर ये डिफरेंस कोई निकाले, तो हम बोल सकते हैं यही स्वेप्ट वॉल्यूम है, बात समझ आई। और जहाँ से, यानी थ्री से इसको ऊपर जाने के लिए मिल नहीं रहा, यानी अगर ये पूरी की पूरी लाइन वॉल्यूम की है और इसको लास्ट पॉइंट थ्री तक जाने तक ही अलाउ किया गया, लेकिन अगर क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं होता तो एक पिस्टन कहाँ तक जा सकता था, यहाँ तक जा सकता था, ये पॉइंट देख रहे हैं। तो ये जो दूरी हुई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, रुक जाइए, यानी हाँ, ये जो दूरी हुई इतनी, यानी मान लेते हैं ये जीरो है, तो V3 माइनस V0, इसी को VC बोलेंगे, ये बात समझ आई। इसके बारे में कि स्वेप्ट वॉल्यूम ग्राफ में क्या होता है और क्लियरेंस वॉल्यूम ग्राफ में क्या होता है। अब आते हैं अपने डेविएशन पर। डेरिवेशन के हिसाब से आपका जो कहते हैं क्या है इसका नाम, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, और एक्चुअल वॉल्यूम जितनी भी फ्यूल आ रही है बाई थियोरेटिकल स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है। तो एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ रहा है जब ये, यानी पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, याद है एक फॉर्मूला था V1 माइनस V4 और V2 माइनस V3, यानी कितना पिस्टन, हाँ कितना जा रहा है रियल में, एक्चुअल वॉल्यूम कितना। तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या हुआ, V1 माइनस V4, और टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम क्या हुआ, V1 माइनस V3, ठीक है। आपको करना क्या है, ऊपर V3 से एक बार प्लस कर दीजिए और V3 से माइनस कर दीजिए, कोई भी फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को काट के जीरो बना देंगे, तो कोई नहीं फर्क पड़ा। चलिए आगे लेके चलते हैं। अब बस मैं रीअरेंज कर रहा हूँ चीज़ों को, हाँ डिनोमीटर सेम है तो सब, हाँ डिनोमीटर सब में डिवाइड हो जाएगा,
बस मैंने कुछ नहीं किया है, इसको रीअरेंज किया है। अगर इसी चीज़ को लिखें तो ये चीज़ कट के वन हो जाएगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें बराबर हैं। वी थ्री आप देख रहे हैं, वी थ्री क्या है, वी सी को ही बोलेंगे, तो ये वी सी हुआ। और वी वन माइनस वी थ्री क्या था, वी एस था, माइनस वी फोर। और वी वन माइनस वी थ्री क्या है, फिर से वी एस है। क्लियर है? अब इसको अगर देखें तो ये क्या है, वी सी बाई वी एस, सी बोला जाता है, वन प्लस सी माइनस वी फोर बाई वी एस। क्लियर है? फिर से एक जो चीज़ थी कि आपको प्लस और माइनस वी थ्री करना था, जो दूसरी चीज़ जहाँ पे आपको करना है, गेम खेलना है, वो वी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे वी सी बाई वी सी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तो एक दूसरे को काट के वन कर देंगे। लेकिन अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो कुछ चीज़ ऐसी आएगी। वी फोर बाई वी सी एंड वी सी बाई वी एस, हाँ यही आएगा। मैंने क्या किया, इसको इधर ले गए और हाँ अल्टीमेटली जो भी है। तो अब जो फॉर्मूला निकल के आया, ये वी फोर बाई वी सी तो ठीक है, ये चीज़ हम लोग को सी कहलाती है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आप लोग को दिख रहा है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ हम लोग के पास निकल के आई वो कुछ ऐसा निकल के आया। लेकिन हम लोग ने जो फॉर्मूला निकालना था वो कुछ ऐसा था, पी एच अपॉन में पी एल टू द पावर ऑफ वन बाई एन। हम लोग प्रेशर के वे में निकाल रहे थे, चीज़ें निकली है वॉल्यूम के वे में। तो वॉल्यूम के वे में ना निकल कर अब फिर से वो डायग्राम देखते हैं, पी वी वन टू थ्री फोर, वन टू और थ्री फोर। आप देखिएगा ये एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है एक तरीके से, एडियाबेटिक सॉरी वन टू जो है एडियाबेटिक कंप्रेशन है, और जो थ्री फोर है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, क्योंकि डायग्राम इस तरीके से है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो जहाँ पे भी हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा जी, वी वन सपोज अगर प्रोसेस थ्री फोर की ही बात करें तो प्रोसेस थ्री फोर एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, जिसका अगर पूरा नाम लिया जाए तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो क्योंकि ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और क्योंकि प्रोसेस थ्री और फोर के बीच में लग रहा है तो बस सॉरी पी थ्री बी थ्री एन पी फोर वी फोर एन की वे में लिख सकते हैं। अब जब आप वी फोर और वी थ्री को अरेंज करिएगा तो पी थ्री बाई पी फोर ये आएगा। फिर से ये वाला जो कर्व है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे आकर। अगर मैं बोलूँ कि इस डायग्राम में सबसे हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है, तो हाईएस्ट प्रेशर यही होगा, यानी पी एच इजक्ल टू पी थ्री इजक्ल टू पी टू। और लोएस्ट प्रेशर कितना होगा, पी फोर इजक्ल टू पी वन इजक्ल टू पी एल। ठीक है, तो यानी आप बोल सकते हैं मैं पी थ्री की जगह पी एच रख सकता हूँ यहाँ से, और पी फोर की जगह मैं पी एल लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जो ये आपका फॉर्मूला था, कौन सा ये वाला फॉर्मूला, वो क्या बन जाएगा। अच्छा, ऊपर कौन ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको फिर से अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो वो ये है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वी वन माइनस वी थ्री वी एस कहलाती है और वी थ्री वी सी कहलाती है। आपको याद है मैंने इसको इस वे में लिखा था, वी थ्री माइनस वी जीरो। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है तो इसको बोल सकते हैं ये कुछ नहीं, ये वॉल्यूम इज़ इक्वल टू जीरो है। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, तो बस वी थ्री की जगह मैंने ये वी थ्री हटा के इसकी जगह वी सी कर दिया है। तो अब जो इक्वेशन बन के आ रही है वो है वी फोर बाई
वी सी। चलिए इसको वी सी पे क्यों कन्वर्ट करते हैं, हम लोग इसको वी थ्री ही रहन देते हैं, वी थ्री। अब ये जो फॉर्मूला आया है इसको उठा के नीचे डाल दीजिए, तो आपका जो फॉर्मूला रियल में निकलेगा वो होगा पी एच बाई पी एन टू द पावर वन बाई एन। क्लियर है, इसी फॉर्मूले की हम लोग को तलाश थी। ठीक, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ कि ये फॉर्मूले में क्या इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस फॉर्मूले पे ही डिपेंड करता है। तो अगर उस फॉर्मूले को मैं फिर से लिखने की कोशिश करूँ, एम वी का जो एक फॉर्मूला हम लोग को समझ आया वो था एक्चुअल वॉल्यूम बाई टोटल टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जो एक और फॉर्मूला निकल के आया वो था वन प्लस सी माइनस सी पी एच अपॉन में पी एल टू द पावर वन बाई एन, और वन प्लस सी माइनस सी वी फोर बाई वी थ्री। ये भी फॉर्म, तो आप देख रहे हैं तीन फॉर्मूले हैं। मेरे को जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है वो फॉर्मूला है ये वाला। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा स्टडी करके देखता हूँ, वन प्लस सी माइनस सी पी एच अपॉन में पी एल टू द पावर एन। अगर मैं इसको मैथमेटिकली इस इक्वेशन को समझ बोलूँ कि हाँ आपका ये जो एन वी है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आप बोलिएगा सर जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है, यानी जितने भी पैरामीटर्स हैं उसका नाम लिख दीजिए, पी एल पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे, यानी आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी चार चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब मैं एक एक चीज़ कर एक एक बार करके देखूँगा कि मैं किसी भी इनमें से, यानी सपोज़ मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, अगर इसको चेंज करता हूँ तो क्या इस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, यानी एक एक करके चेक करते हैं कि क्या इम्पेक्ट पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेंज करने पे। तो पहला जो है कि मान लेते हैं कि पी एच अपॉन में पी एल जो है, पी एच अपॉन में पी एल जो है वो अगर कोई बोले कि वन के बराबर है, यानी अगर ये वाला डायग्राम था, एक मिनट, कौन सा डायग्राम था, ये वाला डायग्राम था, इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों एक ही है, तो अल्टीमेटली लाइन बची क्या, लाइन तो एक पॉइंट ही हो गया ना, और एक पॉइंट ही हो गया, तो अगर एक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वो ये बोल रहा है कि जो अगर छोड़िए फिर से मैथ्स में ज़्यादा घुसना सही नहीं है, एक पॉइंट, चलिए चलिए हाँ देखते हैं इस पॉइंट का, हाँ रियल में इम्पोर्टेंस क्या होती है। इस पॉइंट का मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट्स एक जगह कंसंट्रेटेड हैं, जैसे ही पी एच और पी एल बराबर हो जाता है तो ये जो लाइन थी वन और टू, यानी पी एच और पी एल की, वो सिकुड़ के क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ कर एक लाइन बन जाएगी, एक पॉइंट बन जाएगा, यही पॉइंट दिखा रहा है। और अगर कोई एक पॉइंट है तो इसका इनिशियल क्या और इसका फाइनल क्या, यानी इनिशियल भी मैं और फाइनल भी मैं, एक लाइन है, अगर वो लाइन यहाँ से यहाँ पे है तो मैं बोलूँ इसका इनिशियल ये है और इसका लास्ट पॉइंट ये है, यही बात है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ ये पॉइंट है तो इसका स्टार्ट क्या है, यही है, और इसका एंड क्या है, यही है, बात समझ आ रही है। तो अगर कोई बोलता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इसको अल्टू होती है एक्चुअल वॉल्यूम बाई टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम, और पी एच बाई पी एल का जो वैल्यू है वो वन है, तो अल्टीमेटली वो बोल रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो 100% है। ये कैसे समझ जाए, चलिए इतना बस याद रखिए। दूसरा जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये वाला फॉर्मूला है,
अगर हम लोग पीएच की वैल्यू बढ़ाएं, यानी इसका अगर ये डायग्राम था और ये 1:2 है, इसको अगर हम लोग और ज़्यादा ऊपर, यानी इनिशियल वॉल्यूम वही, इनिशियल प्रेशर वही रहता है, फाइनल प्रेशर बढ़ाना चाहें, यानी प्रेशर हम लोग एयर कंप्रेसर को और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहें, तो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखा जाता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ होती है। आप रख के देख लीजिए कोई भी वैल्यू, किस तरीके से सोचना है। मान लेते हैं एक एनवी है, हम लोग ने ले कर चले, एग्जाम्पल है ये, लेट है, सी की वैल्यू हम लोग 0.25 ले कर चल रहे हैं, पी एल की वैल्यू हम लोग ने 10 ली और पी एच की वैल्यू हम लोग ने 20 ली और एन की वैल्यू हम लोग -0.4 लेते हैं। तो अभी मान लेते हैं कोई एक वैल्यू आएगी, सपोज़ वो वैल्यू है 20 नहीं, वो वैल्यू आएगी 0.21, सपोज़, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। हाँ, सब चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं, बस पीएच की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो आप देखिएगा जो अब जो वैल्यू आएगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस तरीके से अप्लाई है मैथमेटिकली। हाँ, तो देखा जाता है जब जब पीएच बढ़ता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। आप ही बोलिए ये अच्छी बात है या ख़राब बात है, आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन आप ज़्यादा हवा को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही एक और जो चीज़ है, जब हम लोग सी की वैल्यू बढ़ाते हैं, यानी सी का फॉर्मूला क्या है, वी सी बाई वी एस। सी कैसे बढ़ सकता है, या तो स्वेप्ट वॉल्यूम को कम कर दो या तो क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ा दो। अब आप ही बोलिए अगर मैं जो चीज़ यहाँ पे थी उस, यानी इतनी वॉल्यूम पे थी, अगर उसको मैं और बढ़ा दूँ तो इनडायरेक्टली तो एन वी बढ़ी, कम ही हो रहा है ना। तो जब जब सी बढ़ता है तो एन वी डिक्रीज होता है। लेकिन एक चीज़ है जो तीसरा है, अगर मैं एन की वैल्यू बढ़ाऊँ तो देखा जाता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन एन पहले ही आपको बता दिया गया है, ये एयर पे डिपेंड करता है या उस फ्यूल पे डिपेंड करता है कि उसकी एन क्या है। हो सके आप फ्यूल यूज़ करते थे पेट्रोल, हाँ पेट्रोल यूज़ करते थे, उसकी जगह आप अगर आप डीजल यूज़ करेंगे तो हो सके आपके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ के आए। लेकिन हाँ, आप लोगों को पता है कि एक इंजन, इस पहले ऐसा नहीं होता कि पहले वो इंजन बना दिया जाता उसके और बाद में ना उसमें पेट्रोल डाल दिया या डीजल डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। पहले हम लोग को कंफर्म करना पड़ता है कि इस ये किस चीज़ पे चलने वाला है और उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, इसलिए पहले ही चीज़ें बनती है, पेट्रोल इंजन उसको बोलते हैं। तो उस पेट्रोल इंजन में अगर डीजल डाल दीजिएगा हो सके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ा देगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें काम नहीं कर रही होगी, बहुत सी चीज़ें ख़राब होगी। तो एन को बढ़ाना हम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। यानी इनडायरेक्टली इसका मतलब यह है कि हम कुछ भी बढ़ा लें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम ही होगी, तो ये ना हो। इसलिए हम लोग जो नेक्स्ट चीज करते हैं, हाँ यानी हम लोग प्रेशर भी बढ़ाना चाहते हैं और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कम भी नहीं होने देना चाहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये भी बढ़े, प्रेशर भी बढ़े और जितनी हवा को कंप्रेस कर रहे हैं वो भी बढ़े। तो ये चीज़ करने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ साइंटिस्ट ने लेके आए, या कहते नेक्स्ट चीज़ जो आई मार्केट में, उसका नाम था मल्टी स्टेज कंप्रेसर। क्लियर है? यानी सिंपल सा सोचिए इसका मतलब क्या है। अगर आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर रियल में ऊपर से तो कुछ ऐसे ही देखने में होगा, अब ऐसा तो नहीं, इसके अंदर अगर आप पेट्रोल को जला रहे हैं और उसको जला नहीं रहे, उसको फोड़ रहे हैं, तो अंदर तो हीट बढ़ रही है, हीट बहुत अच्छी खासी है। और अगर हाँ, आप ही सोचिए, आप बचपन में आपने कभी कभी ऐसा किया हो कि बम लेके आए आप, उसके ऊपर उसकी बत्ती में आपने आग लगा दी और उसके ऊपर एक कहते हैं मग्गा, यानी ये मग रख देते हैं, तो जब ये फटता है तो ये मग्गा ऊपर जाता है कहीं उड़कर। आप चाहते हैं कि आपका जब ये पेट्रोल जले तो आपका सिलेंडर उड़ जाए, आपकी गाड़ी उड़ जाए, तो आप नहीं चाहते हैं।
तो आप, हाँ तो आप करते क्या हैं, आप इसको बहुत मोटा बनाते हैं, इसकी वॉल्स जो है बहुत मोटी बनाते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर जाए वो हीट को, यानी यानी वो उड़ ना जाए। हाँ फिक्स कर देते हैं, हाँ जिसके वजह से जो इसकी वॉल होती है वो बहुत मोटी बनती है। उसमें थर्मल इंसुलेशन करते हैं कि वो हीट बाहर ना जाए, जहाँ पे हम लोग यूज़ करना चाहते हैं क्रैंक में, वो क्रैंक पे ही जाए, इधर उधर ना चली जाए। ठीक है, अब सपोज़ शुरुआत में जब वो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, हाँ 1 एटमॉस्फेरिक का कहते पेट्रोल आ रहा था, हाँ उसको अगर वो 100 एटमॉस्फेरिक, हाँ वो कंप्रेसर या सिलेंडर जला के कर दे रहा था, तो इसके लिए जो वॉल की थिकनेस चाहिए थी वो मान लेते हैं 2 सेंट, 2 mm की कर रहे थे, लेकिन आप उसका प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, यानी उस, हाँ जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी के लिए सही है। यहाँ पे मैं एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, याद करिए। हाँ तो अगर इस प्रेशर को आप बढ़ाना चाहते हैं, इस प्रेशर को आप बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे होगा, मान लेते हैं ये 120 एटमॉस्फेरिक हो, तो ये आपको दिख रहा है कि वॉल थिकनेस भी आपको बढ़ानी पड़ जाएगी, यानी आपको कुछ ना कुछ वॉल थिकनेस, नहीं तो वो झेल ही नहीं पाएगा सिलेंडर। तो हो क्या रहा है, आप जब जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो कम होती ही है, बाई फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ वॉल थिकनेस ऑफ सिलेंडर भी बढ़ जाती है। और जिसके वजह से जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बढ़ जाता है। अब हो क्या, देखिए रियल में क्या होता है, पिस्टन जो है, पिस्टन इसमें अप डाउन कर रहा है, रियल में क्या होता है कि ये पिस्टन के चारों तरफ हाँ ऐसी ऐसी रिंग लगी होती है, यानी ये पीछे लाइन है और ये उसके ऊपर, यानी इस तरह से रिंग्स लगी होती है। हाँ तो ये कुछ तो एरिया बचता होगा ना जी, कुछ तो एरिया बचता होगा जो ना टच, हाँ जो पिस्टन वॉल को नहीं टच करता होगा, बस रिंग टच करती होगी। सोचिए अगर यहाँ पे धूम धड़ाके हो रहे हैं और ये वाला एरिया कमज़ोर है तो अंदर प्रेशर जाएगा। हाँ इसलिए आप कोशिश करते हैं कि ये प्रेशर भी ज़्यादा नहीं बढ़ाए, क्योंकि वो प्रेशर जाएगा तो ये नीचे हानिकारक होगा। तो ये जो तीन चार चीज़ें हैं, हाँ कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो रही है, वॉल थिकनेस बढ़ानी पड़ी जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ जा रहा है, आपकी गाड़ी भारी हो जा रही है, इसका जो चीज़ जिसका सहारा लिया गया कि इसका क्या छुटकारा हो, तो वहाँ से जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर। ठीक है, तो इसके बारे में फिर से देखेंगे आगे क्या है। थैंक यू।